हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम इस वीडियो में TX2 अवार्ड के बारे में जानेंगे, जिसका फुल फॉर्म है टाइगर टाइम्स टू, जिसे हिंदी में जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य इसका अर्थ है। ठीक है, यह अवार्ड ऐसी साइटों को दिया जाता है जिसने वर्ष 2010 से अब तक बाघों की आबादी में वृद्धि दर्ज की है। मतलब कि जहाँ पर बाघों की संख्या है उनकी संख्या दोगुनी हो गई है, उन अभयारण्यों को ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, फन एंड फ्लोरा इंटरनेशनल ग्लोबल टाइगर फोरम, IUCN के इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ संरक्षण सोसाइटी और WWF के द्वारा दिया जाता है। TX2 का लक्ष्य है कि 2022 तक दुनिया के जंगली बाघों की संख्या में वृद्धि हो, उनकी संख्या दोगुनी हो जाए, यही इनका एक ग्लोबली टारगेट है। एक सदी पहले बाघों की संख्या लगभग 1 लाख थी और फिर ये संख्या घटकर 2010 में सिर्फ 3200 रह गई, जो सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। फिर उसी वर्ष यानी 2010 में सभी 13 टाइगर रेंज सरकारें, मतलब जिस देश में भी टाइगर पाए जाते हैं, उन सरकारों ने पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन में एक साथ शामिल हुए। फिर इन सभी ने 2022 तक जंगली बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य बनाया। आपको बता दूं कि 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं, भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम। ये 13 टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं। और WWF ने इसी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होकर बाघ संरक्षण के लिए एक साझा दृष्टिकोण बनाने में अहम भूमिका निभाई। TX2 का लक्ष्य एक वैश्विक लक्ष्य है और इसके पीछे WWF अपना पूरा प्रयास लगा रहा है। TX2 अवार्ड पाने वाला पहला टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व था, जो UP में है। इसने सबसे पहले बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा किया। और अब सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जिसे ये अवार्ड हाल ही में मिला है। सत्यमंगलम वन्य जीव अभयारण्य को 2013 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये तमिलनाडु राज्य के ईरोड जिले में है। ये रिजर्व नीलगिरी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। नीलगिरी बायोस्फीयर लैंडस्केप जिसका यह रिजर्व हिस्सा है, वो वर्तमान में दुनिया में सबसे बड़ी बाघ आबादी वाला घर है। यहाँ पे सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। और इसके अलावा नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क को भी ये अवार्ड दिया गया है। मतलब जो नेपाल में बर्दिया नेशनल पार्क है, उसको भी ये अवार्ड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के साथ मिला है। WWF इंडिया के महासचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि सिंह ने कहा है कि TX2 अवार्ड पाने वाले अभयारण्यों के और बेहतर बनाने के लिए गैर सरकारी संगठन, सरकारी निकाय और स्थानीय समुदाय मजबूती से काम कर रहे हैं और आगे भी कई टाइगर रिजर्व हैं जहां बाघों की आबादी को दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है। इस साल सितंबर में बाघ रेंज देश, मतलब जहाँ भी बाघ पाए जाते हैं वो देश, मिलकर रूस के व्लादिवोस्तोक के दूसरे ग्लोबल टाइगर समिट में हिस्सा लेंगे। मतलब कि टाइगर रेंज कंट्री की दूसरी मीटिंग रूस के व्लादिवोस्तोक में होगी और TX2 लक्ष्य की दिशा में प्रगति का आकलन करेंगे, ताकि आने वाले समय में कैसे जंगली बाघों की संख्या में और वृद्धि की जा सके और अगले 12 वर्षों के लिए बाघ संरक्षण प्राथमिकताओं की पहचान की जा सके, इन सब पे डिस्कशन होगा। तो ये थी TX2 अवार्ड से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।